हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी डाबर इंडिया ने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रहे डाबर इंडिया के सितंबर क्वार्टर के नतीजे और चार्ट्स पर देखेंगे कैसी सिचुएशन बन रही है अभी डाबर इंडिया की। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, डाबर इंडिया के सितंबर क्वार्टर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें हमें 6% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 2,986 करोड़ रुपीस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,817 करोड़ रुपीस था। वहीं एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस में भी हमें 8.94% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने एक्सपेंसेस में बढ़त होगी उतना प्रॉफिट कम होगा। तो एक्सपेंसेस में हम देखें तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 2,471 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2,268 करोड़ रुपीस थे। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो उसमें 158 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। एबिटा मार्जिन रहे हैं सेप्टेम्बर क्वार्टर में 20.50%, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 22% था। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों, प्रॉफिट में हमें 2.85% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 490.86 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 505.31 करोड़ रुपीस का था। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट कम होने के बावजूद कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया है। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 442 करोड़ रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी 2.50 रुपीस पर इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीस है। और इसकी रिकॉर्ड डेट 4 नवंबर 2022 है, यानी कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में 4 नवंबर 2022 को डाबर इंडिया के शेयर्स रहते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिल सकता है। आइए हम चार्ट देख लेते हैं डाबर इंडिया का। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये डाबर इंडिया का डेली चार्ट है। और इसमें देखेंगे तो साफ साफ हमें रिवर्स कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न दिख रहा है। दोस्तों, एक बेरिश पैटर्न होता है। और आरएस देखेंगे, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो वो भी अभी 0 के नीचे है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है। दोस्तों, इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी 545 रुपए के ऊपर ही मिलेगी और सपोर्ट लेवल है 518 रुपीज। दोस्तों, ये कोई कॉल नहीं है। आपको जो भी बाइंग सेलिंग करनी है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कीजिए। ये सिर्फ एक व्यू है चार्ट को लेकर। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है यह सुझाव है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आने वाली वीडियोस के लिए आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।